सो गाइस अगर आप भी YouTube पर बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग्स को अपलोड करना चाहते हो बट जब भी आप उन सॉन्ग को अपलोड करते हो तो YouTube आपको तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी उस वीडियो पर दे देता है, जिससे आपकी वो जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं हो पाती है एंड वीडियो YouTube से रिमूव हो जाती है। बट आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को ऐसे देखा होगा जो कि जब भी YouTube पर कोई भी बॉलीवुड का न्यू सॉन्ग अपलोड होता है वो तुरंत ही उस सॉन्ग को डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं बट उनकी वीडियो पर कोई भी स्ट्राइक या फिर कोई भी क्लेम नहीं आता है, तो आखिर वो ऐसा कैसे करते हैं? एंड अगर आप भी YouTube पर बिना किसी कॉपीराइट या फिर बिना किसी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक के कोई भी YouTube का सॉन्ग अपलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली कोई भी यूट्यूब पर सॉन्ग अपलोड कर सकते हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉन्ग बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा अगर आप वीडियो को एंड तक एंड लास्ट तक वॉच करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। तो चलिए गाइस बिना किसी बस आज के टैग की शुरुआत करते हैं एंड यहाँ पर आपको फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड वहाँ पर पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस तरीके से बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग्स को यूट्यूब पर अपलोड करना है बिना किसी कॉपीराइट क्लेम या फिर बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि आपको आखिर कैसे यूट्यूब पर कोई भी सॉन्ग अपलोड करना है एंड आपको कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना मिले तो आपको सॉन्ग को एडिट किस तरीके से करना है। तो किसी भी सॉन्ग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है यहाँ पर सॉन्ग। अब दोस्तों सॉन्ग यहाँ पर आप जो है यूट्यूब से कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर जो सॉन्ग लेने वाला हूँ उसका नाम है गाइज यहाँ पर चलिया, जो कि अभी रिसेंटली जवान मूवी में आया था। तो यहाँ पर ये रहा वो सॉन्ग। इस सॉन्ग का मैं यहाँ पर जो है इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा एंड इसको मैं एडिट करूँगा। तो सबसे पहले आपको इस सॉन्ग को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, शेयर पर करना है क्लिक एंड इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद किसी वेबसाइट से आप इजीली इस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो MP3 के अंदर। अब इस सॉन्ग को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक इस तरीके के फ़ोटो की। आपको यहाँ पर ये जो फोटो वो इजीली क्रोम पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप कोई और सा भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो, शाहरुख खान का कोई सा भी, जवान मूवी का या फिर किसी भी और मूवी का। उसके बाद आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी दो फोटोज़ की, आप कोई से भी दो फोटो डाउनलोड कर सकते हो एंड फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की, एक स्पेक्ट्रम की। ये दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको YouTube पर जाना है एंड YouTube पर आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा सॉन्ग बीट ग्रीन स्क्रीन। इसको सर्च करिए एंड इसको सर्च करने के बाद आपको ये वाली जो वीडियो है देखने को मिलेगी। इस वाली वीडियो को आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद इसकी भी लिंक कॉपी कर लेना है एंड फिर इसको भी आपको क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर लेना है या फिर किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के इजीली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इतनी चीज़ डाउनलोड करने के बाद ज़रूरत पड़ेगी सबसे एक बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन की। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, कैपकट, VN, काइंड मास्टर। तो हम दोस्तों इस वीडियो में यूज़ करेंगे काइंड मास्टर का। तो आपको इतना मटेरियल जो है लेने के बाद सिंपली काइंड मास्टर को यहाँ से ओपन कर लेना है। काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पर करना है क्लिक, उसके बाद फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी लोगों के सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो वो अपने फ़ोटो लिया था उस फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद इस पर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पिन आउट से जूम करना है एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड दोनों लेयर्स को यहाँ पर मैच कर देना है ताकि यहाँ पर ये आगे से जूम इन जूम आउट ना हो। इतना काम करने के बाद आपको डन कर देना है। डन कर देना है। यहाँ पर ये मैंने जूम क्यों कराया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको जूम नहीं कराओगे एंड आप इसको नॉर्मल रखोगे तो यहाँ पर ये जो इसके नीचे यहाँ पर ये जो इसका जो वाटरमार्क है ये आ रहा है तो यहाँ पर आपकी वीडियो में या फिर आपके सॉन्ग में कॉपीराइट आ जाएगा। तो कोई भी फोटो ऐसा यूज़ मत करना जिसमें यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का नाम या फिर कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर कर भी रहे तो सिंपली बस उसको क्रॉप कर दीजिए कुछ इस तरीके से, उसको हाइड कर दीजिए। अब इतना काम करने के बाद डन हमारा हो गया, यहाँ से डन हो गया, बैक आपको चले जाना है। अब इतना काम करने के बाद आपको इसकी लेंथ को बढ़ा देना है। आपका सॉन्ग जितना भी लंबा हो आप इजीली इसको इतना लंबा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको ऑडियो पर जाना है एंड जहाँ पर भी आपने वो जो सॉन्ग डाउनलोड करा था उस सॉन्ग को यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं वो जो सॉन्ग है उसको निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा था मेरा, यहाँ पर वो जो सॉन्ग है वो होगा एक्स के अंदर। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो जो सॉन्ग है वो देखने को मिलेगा, ये रहा चलिया जवान का। इसको ऐड मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब इसकी मैं जो वॉल्यूम है उसको सिंपल सबसे पहले ऑफ कर दूंगा ताकि वॉल्यूम की वजह से कोई भी कॉपीराइट ना आए, क्योंकि अभी हमारा जो सॉन्ग है वो एडिट
नहीं हुआ है, इसको हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसको बढ़ाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, यानी कि जो म्यूज़िक होगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बनाकर दिखा रहा हूँ सॉन्ग, बाकी आप अगर म्यूज़िक बनाते हो तो आप अच्छे तरीके से और भी बना सकते हो। तो यहाँ से मैं जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसका, उसको बंद कर देता हूँ एंड आवाज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड सॉन्ग को चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए अभी हमारा जो सॉन्ग है वो बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हुआ है। अब इतना काम करने के बाद आपको जो है सॉन्ग को अच्छे तरीके से ऐड कर लेना है, जिसकी लेंथ को आप जितना बढ़ाना चाहें उतना यहाँ से बढ़ा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो इसकी लेंथ को मैं थोड़ा सा जो है और बढ़ा देता हूँ, 15 से 20 सेकंड का मैं जो वीडियो है इसको रख लेता हूँ एंड बाकी एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देता हूँ। अब अगर आप पूरा सॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको सिंपली बस पूरे सॉन्ग को यहाँ पे एडिट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सॉन्ग को ले आना है, लेयर को ले आना है, उसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद मीडिया पर करना है क्लिक, फिर से मीडिया में जाना है एंड जो अभी आपने ऑडियो स्पेक्ट्रम डाउनलोड करा था उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेना है एंड उसके बाद आपको इस पर करना है क्लिक एंड स्पेक्ट्रम को लेने के बाद बैक हो जाइए। बैक होने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको ऐसे ट्रिम कर देना है एंड ट्रिम करने के बाद यहाँ पर इसको लेकर आना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड उसके बाद बैक जाइए यहाँ से और उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। इस पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोम की का, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको ऑन कर दीजिए एंड यहाँ से बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको भी यहाँ पर एक टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा इस वाली वीडियो के अंदर, तो इसको भी आपको क्या करना है सिंपली बस क्रॉप कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको कोई सा भी अगर वाटरमार्क देखने को मिले या कुछ भी टेक्स्ट देखने को मिले उसे अपनी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि उससे कॉपीराइट आ जाएगा तुरंत ही। तो उसके बाद आपको इस तरीके से इसको लगा देना है स्पेक्ट्रम को यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड इसको सेट कर देना है यहाँ पर ऐसे। अभी आपका सेट हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर करना है बैक फिर से क्लिक। अब यहाँ पर आपको फिर से मीडिया में जाना है, मीडिया लेयर में जाना है एंड अब आपको यहाँ पर अपने कोई सा भी एक फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। आप अपना कोई एक फ़ोटो इस पर लगाइए। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसमें अपने चैनल का भी लोगो लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, बट वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके फ़ोन की होनी चाहिए। आपको इंटरनेट पे से कुछ भी नहीं लगाना है, एक ना एक चीज़ आपके पास ऐसी आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए जो कि आप इस पर लगा सकते हो। तो मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ पर लगा देता हूँ एंड इसको आपको जो है सबसे पहले गोल कर लेना है, ठीक है, सर्कल में जो है क्रॉप कर लेना है, उसके बाद आप इजीली इसको लगा दोगे। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से जो है सर्कल में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना चैनल का लोगो या फिर अपना कोई सा भी एक फ़ोटो या फिर आपके पास कोई सी भी आपकी गैलरी में वीडियो डली हुई वो यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपने ये जो ऑडियो स्पेक्ट्रम डाउनलोड करा था सिंपली इसकी ऑडियो को आपको यहाँ से बिल्कुल ही बंद कर देना है, ऑडियो में जाना है एंड इसकी वॉल्यूम को बिल्कुल ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका काम हो गया। अब यहाँ पर आपका पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी अब आप यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है जितना भी है उसको यहाँ से कट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं जो है इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, स्प्लिट एंड ट्रिम, इसको ट्रिम करता हूँ एंड उसके बाद मैं अब यहाँ से जो ये मेरा फ़ोटो था इसको इसकी लेंथ मैं जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, जितनी मेरी वीडियो है या जितना आपका सॉन्ग है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो इसकी लेंथ है उसको यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ को फुल रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको जो सॉन्ग है उस पर करना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉन्ग है, अब आपको सॉन्ग को एडिट करना है। अब ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। सॉन्ग पर क्लिक करना है, उसके बाद रिवर्ब पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर करना है क्लिक एंड उसके बाद ये जो स्टूडियो वाला ऑप्शन है इसको सिंपली चूज़ कर लेना। इससे ऊपर वाला जो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टूडियो रिवर्ब, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डन कर देना। अभी आपका पूरा ऑडियो उसके सॉन्ग के अंदर लग जाएगा। उसके बाद बैक पर जाना है यहाँ से एंड बैक करने के बाद आपको सिंपली बस इसको यहाँ से कर देना है एक्सपोर्ट। अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव वीडियो कर लेना है। अब जैसे ही आपकी जो वीडियो है वो गैलरी के अंदर सेव हो जाए, अब यहाँ से आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आपकी जो वीडियो वो एक्सपोर्ट हो जाती है आपको यहाँ से बैक जाना है, सारी चीज़ों को बैक कर देना है, फिर से क्रिएट न्यू पर करना है क्लिक एंड फिर से वही सेम ले लेना है, सारी चीज़ें ले लेनी है एंड उसके बाद आपको काइंड मास्टर में जाना है, जो अभी आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को कुछ इस तरीके से लेना है एंड उसके बाद अब यहाँ से आपको इसकी स्पीड पर करना है क्लिक एंड इसकी स्पीड को आपको 1 पॉइंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है बस, यहाँ पर 1.1 कम करना है एंड उसके बाद अब यहाँ से आपको इसकी स्पीड कम करनी है। स्पीड आपने कम कर दी, अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिवर्ब का ऑप्शन, इस पर करना है क्लिक एंड उसके बाद स्पिलिंग रिवर्ब पर करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ से आपका जो काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, ईक्यू अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ये 2 सेटिंग्स करनी है एंड उसके बाद अब आप अपना सॉन्ग जो प्ले करके देख सकते हो।
तो आप भी आपका जो सॉन्ग है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड इसमें आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो टेक्स्ट भी लिख सकते हो एंड आप इजीली अपने चैनल का नाम या कुछ भी टैग्स यहाँ पर लिख सकते हो जिससे आपको जो वीडियो होगी वो और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी एंड अब आप जो है इस तरीके से अपने सॉन्ग को इजीली यूट्यूब पर जाकर अपलोड कर सकते हो एंड वो कहीं पर भी शेयर कर सकते हो एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको सिंपली बस कुछ इस तरीके का जो फोटो है वो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालना है। सॉन्ग का जो नेम है, जो टाइटल है, जिसने सॉन्ग लिखा है, वो सारी चीज़ें डिटेल लिख देनी है एंड सॉन्ग आपने कहाँ से लिया वो भी लिख देना है। अगर आप इतना काम कर देते हो एंड सॉन्ग को अच्छे तरीके से एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आपको इस तरीके से अपने सॉन्ग को एडिट करना है एंड यूट्यूब पर ईजिली अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप यहाँ पर समझ गएंगे कि आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को कैसे अपलोड करना है बिना कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर बिना कॉपीराइट क्लेम के। आपको सिर्फ यहाँ पर सॉन्ग को अच्छे तरीके से एडिट करना चाहिए। अगर आपको एडिटिंग अच्छी आती है तो आप कोई भी सॉन्ग अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब पर कोई भी कभी भी आपको कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते रहना एंड इस वीडियो को शेयर करते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड अगर दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड इंस्टाग्राम पर आकर जरूर पूछना। स्टॉक ग्रुप में पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ, दोनों का लिंक आपको आई बटन पर एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। उन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप दोस्तों यूट्यूब पर सॉन्ग्स को अपलोड करते हो। तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के रूप में इतना ही।